उसने मेरी इंसल्ट नहीं की, उसने अपनी औकात बताई कि वो क्या है। उसने ये बताया कि वो भाई लोग का चमचा है, उनके तलवे चट्टा मैनी चट्टा। उसकी फिल्मों में भाई लोग के पैसे लगते होंगे, ऊपर के पैसे लगते होंगे डॉन लोग के, मेरे पिक्चर में नहीं लगते। और उसने जो बोला कि भाई इजाज खान लुक है, वो अपने मलबूते पे बना। तू होता कौन है भाई? तेरा बाप तो इतना बड़ा राइटर था, फिर भी तू साइड हीरो में आया। फारूक शेख हीरो था, तू साइड हीरो में आया, बीवी हो तो ऐसी में। तो भाई तेरा क्लास समझ में आ जाता है, तू है ना घटिया इंसान है, और तू ये सब चोचले कर रहा है, बीइंग ह्यूमन, ये ह्यूमन। तू सिर्फ है ना अच्छा इंसान बनने का नाटक करता है, तू अच्छा इंसान नहीं। जैसा डॉक्टर जाकिर नायक था, उसके खिलाफ मैं खड़ा हुआ, उसके दुनिया में फॉलोअर्स थे करोड़ों, तेरे भी फॉलोअर्स होंगे। हमको फॉलोअर्स की ज़रूरत नहीं है। देख भाई, सच्चा आदमी रहता है ना, वो मौत से भी नहीं डरता, क्योंकि मालूम है सच के लिए लड़ रहा है। तो ना सलमान मैं तेरे से डरता हूँ, ना तेरे कोई ग्रुप से डरता हूँ। भाई मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, सुन ले सलमान खान, तेरे पास खोने के लिए बहुत कुछ है। और तुम लोगों ने जो मेरी इमेज ख़राब की है कलर चैनल वालों, तुम लोगों ने मेरे बिना इजाज़त के तुमने प्रोमो चलाया जिसमें हसीना पारकर का नाम तुमने ऐड किया। मैं उस बारे में अवेयर नहीं था। मैं तुम पर मानहानि का मुकदमा करूँगा, मैं रिट पिटीशन फाइल करूँगा, मैं कानूनी तौर पर तेरे को लेके जाऊँगा और तेरे को नंगा करूँगा कानूनी तौर के ऊपर। तू लड़ ले भाई, तेरे में जितना दम है, मेरे में जितना दम है, मैं आखिरी सांस तक लड़ूँगा। और इंशाल्लाह मैं अल्लाह के बल पे चल रहा हूँ, मेरे को किसी का सपोर्ट की ज़रूरत है ही भी नहीं। सपोर्ट है ना कमज़ोर इंसान को, उसकी ज़रूरत है ना सपोर्ट, कमज़ोर इंसान को पड़ती है सपोर्ट की ज़रूरत। हम कमज़ोर नहीं है, अपने बलबूते पे बिग बॉस पे आए थे। अब तुमको देखा नहीं गया कि भाई ये आदमी के अंदर बहुत चल रही है, और अंदर कुरान की आयतें की बेहुरमती की गई, वहाँ पर गे कम्युनिटी को टारगेट किया गया विकास गुप्ता के नाम पे। शिवानी जी एक साध्वी है, सन्यासन है, उनको बहुत भरा भला बुला बोला गया। तो भाई मैं चाहता हूँ पुलिस कोर्ट, जब तक के मैं बिग बॉस के घर में एंट्री किया तब से लेके एंड तक, आप 24 घंटे का फुटेज देखो, जुबैर खान ने कहाँ दाऊद का नाम लिया, कहाँ हसीना पारकर का नाम लिया, बताओ। तुझे डर लगता होगा भाई, मेरे को नहीं लगता भाई। और मैं भाई किसी से ठसने वाला नहीं हूँ, मैं किसी से दबने वाला नहीं हूँ, मैं किसी का खाके बैठा नहीं हूँ। तुझे बड़े छोटों का अदब नहीं है, तुझे पावरफुल लोग पसंद आते होंगे, कमज़ोर लोग को तू दबाता है, तू लोगों को घर पे बिठाता है। तूने कितने लोगों को बेरोज़गार किया, कितने लोगों को इंडस्ट्री से आउट किया, कितने लोगों को काम नहीं दे मिलता है तेरी वजह से, तू लोगों को आउट करवाता है। तो जैसा जॉन अब्राहम ने तेरे खिलाफ लड़ा ना, स्टैंड लेके लड़ा और अपनी पहचान बनाई, तो जुबैर खान भी अल्हम्दुलिल्लाह उससे तो अच्छा है। मेरी माँ की दुआ मेरे साथ है, मेरे को किसी का ज़रूरत नहीं है, मेरे अल्लाह का और उसके रसूल का करम है, सरकारों का करम है, गरीब नवाज का सरकार का करम है। मैं नहीं डरता रे भाई तेरे से, समझा। जो आदमी 5 टाइम नमाज पढ़ता है, जिसका सर अल्लाह के आगे झुकता है ना, दुनिया के आगे अल्लाह उसका सर झुकने नहीं देता है। तो ना मैं तेरे से डरता हूँ, ना मैं तेरे से ठसता हूँ। और रही बात मेरी इमेज ख़राब करने की, तुम लोगों ने कल चैनल पे चलाया कि जुबैर खान बीमार है, फिर उसको वोट नहीं मिले, और तूने कैमरे पे बोला है जो चला नहीं है कि प्रियांक आई विल मेक श्योर कि तू वापस आएगा, आई विल टॉक टू चैनल। जो तेरे तलवे चाटता है वो तेरे लिए अच्छे हैं, मैं तेरा तलवा नहीं चाटता। कलर्स वालों तुमको भी बोलता हूँ, तुमने जो मेरी जो चीज़ बोलते हैं ना, मेरी इमेज ख़राब करने की कोशिश की है, आप लोग गालियाँ दिखा रहे हो, गालियों का रीज़न क्या था वो दिखाया आपने, क्यों लड़की कुरान की आयत की बेहुरमत, आपने गालियों का रीज़न बताया, आपने गालियों का रीज़न नहीं बताया। जुबैर खान गाली दे रहा है, चैनल वाला तो बोल के आके बोलता है जुबैर आपको जैसा खेलना है आप अंदर खेलो, गेम है, गाली तो बिंदास, वो बीप होके जाएगी। सलमान खान पिछले 7-8 साल से तू बिग बॉस कर रहा है, तुझे पता नहीं शो में गाली दी जाती है, दूध पीता बच्चा है तू, बन कबाब बेचता है तू, नहीं ना वड़ा पाव की गाड़ी लगा, नहीं ना तू इतना समझदार है, एक एपिसोड का 11 करोड़ रुपया ले रहा है, तो दूध पीता बच्चा नहीं है तू। हम तो भाई वहाँ पे अपनी फैमिली के लिए करियर छोड़ के आए थे, तू तेरी फैमिली के लिए करियर छोड़ा क्या? तूने अपने करियर के लिए लोगों को बोलते ना लोगों को मरवा तक दिया है, तेरी रिपोर्ट तेरी सब मालूम है, और सारे घर वाले सबको लेके आगे खड़ा करूँगा तेरे। अभी तो पहले जुबैर खान अकेला खड़ा है, पुलिस में जाऊँगा, कोर्ट में जाऊँगा, रिट पिटीशन फाइल करूँगा। जो तूने मुझे ऑन कैमरा धमकी दी है, कसम खुदा की तेरे को बताऊँगा, मैं कुत्ता बनाऊँगा।
और तेरे को मैं दिखाऊंगा। दिखा भाई, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। कहाँ मैंने बताया, मैंने कहाँ बोला कि मैं हसीना पारकर का दामाद हूँ, दाऊद का दामाद हूँ तेरे को। हाँ।